मैं आज जहाँ पर हूँ वर्तमान समय में भी अगर उस जगह पे कोई राजनीतिक उथल पुथल होती है तो उसकी चर्चा प्रदेश भर देश भर में होती है, और इसके अलावा वो एक अच्छा खासा इतिहास भी खुद के अंदर सजोए हुए हैं। जी हाँ, जैसा कि आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा, आज मैं सैर आप लोगों को कराऊंगा रामपुर की। अभी तक हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से कुमाऊं के पहाड़ों के दर्शन किए, आज हम हैं उत्तर प्रदेश के जिले रामपुर में, जिसका ऐतिहासिक महत्व भी है और वर्तमान समय में राजनीतिक महत्व भी है, और जो कहीं ना कहीं समय के साथ आधुनिक भी होता जा रहा है। तो एक ऐसा शहर जो इतिहास को सजोए हुए है और आधुनिकता की तरफ भी बढ़ रहा है, तो ऐसे शहर के कुछ पहलू हम वीडियो के माध्यम से छूने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, आज एक स्वीट सा व्लॉग आपके सामने पेश होगा। और आज के दिन मेरे साथ मेरा, चूँकि आपको पता है कि सेकंड सैटरडे है मंथ का, तो छुट्टी है, तो मेरे साथ पूरी मेरी ब्रांच का स्टाफ भी है और भी मित्रगण हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा और साथ ही आपको कुछ शहर के दर्शन भी होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, एक आज प्यारा सा स्वीट सा व्लॉग आपके सामने पेश होगा। तो मेरे साथ है आज नितेश भाई, राहुल भाई और एक और मित्रगण राहुल भाई, और हम आज कर रहे हैं रामपुर की सैर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आया हुआ हूँ रामपुर, तो अभी राइट नाउ हम हैं एक यहाँ के किले में, जिसको शायद लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया है। बोर्ड पे हमने पढ़ा था भारतो रजा लाइब्रेरी लिखा हुआ था, और तो ये किला है, इसके आपको मैं थोड़ा व्यू दे दूँगा। देखिए तो दोस्तों, यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये है रामपुर में हम रजा लाइब्रेरी में, या उसके जो मेन लाइब्रेरी पॉइंट है, जो अभी तक आपने मैंने आपको नहीं दिखाया, उसके आसपास का ही थोड़ा बिल्डिंग्स ऐसी पुरानी फील दे रही हैं थोड़ी। और ये देखिए बहुत अच्छे से ग्रीनरी चारों तरफ। और ये है रामपुर का किला, नवाबों का किला, जो कि मुझे बताया गया, और बाहर बोर्ड था रजा लाइब्रेरी, तो शायद अभी लाइब्रेरी में तब्दील हो गया है। तो बहुत अच्छी ग्रीनरी, बहुत अच्छी तरीके से एकदम यहाँ पर मेनटेन है हर चीज़ें, साफ़ सफाई, और बहुत भव्य लग रहा है ये देखने में। देखिए प्यारा, तो एक बार आपको यहाँ का मैं पूरा टूर करा देता हूँ थोड़ा साथ साथ। और ये देखिए, जी सर इसके आगे, ठीक है सर, कहाँ से ऐसे इधर को चलते हो ऐसे? देखिए किले की ओर चलते हुए, भारत सरकार के प्रथम शिक्षा मंत्री द्वारा लिखा गया इस लाइब्रेरी के बारे में लेख आप इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हम इस टाइम मेन लाइब्रेरी के अंदर आ चुके हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत भव्य है, और आपको दिखाऊंगा मैं। रामपुरी चाकू, जिसके लिए रामपुर फेमस है। देखिए कितना शाही लग रहा है, सुंदर प्यारे झूमर, बहुत भव्य है, एकदम शाही रॉयल तखड़ी आर्किटेक्चर। अलग अलग तरह के चाकू, 19th सेंचुरी, इट इज मेड ऑफ जेड, हिल्ट इज मेड ऑफ जेड।
बाबा की प्रतिमा है रामपुर रजा लाइब्रेरी के मेन प्रीमाइसिस में है हम इस समय। बहुत ज़्यादा भव्य है, इस टाइप का भी मेरे लिए एक फर्स्ट एक्सपीरियंस। देखिए तरह तरह के औजार, फारसी रामायण रामायण है, फारसी रामायण पार्ट में तो पुराना कुरान। गालिब मुशब्बर फ्रेंच जेंटलमैन, फ्रेंच ये तो वो है, ये है राजपूत किंग। हाँ राजपूत किंग, राजपूत राजा, ये भी राजपूत राजा। नवाब गेट, ईदगाह गेट, डूंगरपुर गेट, दिल्ली गेट, खास बाग गेट, खुसरो बाग गेट, बरेली गेट, बेनजीर गेट। वाह, कॉपर प्लेट्स, कॉपर प्लेट्स। एंटीक मिर्जा गालिब। गेट ऑफ रजा लाइब्रेरी, अध्ययन कक्ष, रीडिंग हॉल, जी अब हम लोग लाइब्रेरी से एग्जिट करते हुए रजा लाइब्रेरी रामपुर। बहुत तगड़ा और अलग एक्सपीरियंस। अंदर से मैं ज़्यादा बोल नहीं पाया क्योंकि
वो लाइब्रेरी थी, कुछ लोग अध्ययन भी कर रहे थे, वहाँ पे लिखा हुआ भी था कि ज़्यादा बोलना सही नहीं रहेगा, बट हाँ मैंने शूट किया जितना मैं कर पाया। बाकी एक अलग ही ऐतिहासिक धरोहर लाइब्रेरी अपने अंदर सजाए हुए थी। देखिए दोस्तों, इस लाइब्रेरी का इतिहास, रामपुर रजा लाइब्रेरी विश्व की महत्वपूर्ण लाइब्रेरी में से एक है। यहाँ विभिन्न धार्मिक परंपराओं के वर्णन के अतिरिक्त भारतीय इस्लामिक शिक्षा एवं कला का महत्वपूर्ण खजाना है। देखिए, ये आप वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हो इस लाइब्रेरी के बारे में और उत्पत्ति के बारे में, रामपुर रजा लाइब्रेरी।